राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एनपीके 0:52:34 और बोरोन 20% में जो आता है, इनका उपयोग का सही समय हमारी फसलों पर क्या है, हमारी फसलों पर इनका उपयोग हमें कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, क्या इनकी डोज लेनी चाहिए, क्या इनके कार्य हैं, क्या इनके फायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं, क्या इनकी डोज रहेगी, क्या इनकी कीमत, लगभग A to Z पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस फार्मूले को डाल के आप अपनी फसल की कम से कम 15% से 20% तक की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सही तरीके से आप यदि इसे डाल लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट किसान भाइयों देखने को मिल सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारा एनपीके 0:52:34 है, इसमें नाइट्रोजन 0% है, जो हमारा फास्फोरस है वो इसके अंदर 52% है और पोटास की मात्रा किसान भाइयों इसके अंदर 34% दी गई है। जहां पर किसान भाइयों फास्फोरस का उपयोग यदि आप अपनी फसल के अंदर करते हैं तो इससे हमारी फसल की जो जड़ें होती हैं, जो हमारे पौधे का जड़ों का विकास होता है, यह बहुत तेज़ी के साथ होना शुरू हो जाता है और जितनी ज़्यादा किसान भाइयों हमारी जड़ों का विकास होगा, हमारा जो पौधा होगा वे उतनी ही तेज़ी के साथ ग्रोथ करनी शुरू करेगा, हमारे पौधे के ऊपर उतनी अच्छी तरीके से उसकी बढ़वार हो पाएगी। तो आप इसका उपयोग करके अपनी फसल के तनों को मजबूत कर सकते हैं, इसकी जड़ों का विकास कर सकते हैं और अपनी फसल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। दूसरा किसान भाई जो आता है इसके अंदर, जो पोटास दिया गया है 34% में, पोटास की जो यहाँ पर कार्य है, पोटास का उपयोग करने से आपकी फसल की जो पैदावार होती है वो 15% से 20% तक बढ़ जाती है। कारण किसान भाइयों ये रहता है कि ये हमारे तने को मजबूत कर देता है, सुक्रोज की मात्रा को फसल के अंदर बढ़ाता है, इसके साथ साथ फसल के ऊपर चमक बना करके चलता है और जो हमारे दाने होते हैं फसल के अंदर, उन दानों को ये भराव करने में बड़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है और दाने का भराव बड़ी अच्छी तरीके से करता है, जिससे जो हमारा दाना होता है ठोस भर जाता है और उसकी जो वजन होता है, उसकी जो पैदावार होती है, इसे ये बढ़ा देता है। मान लीजिए आपकी फसल जो है उसके ऊपर फल आते हैं तो फलों के साइज को पोटास जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है और हमारी जो पैदावार होती है उसे 15% से 20% तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ किसानों, जो बात कर रहे थे बोरोन 20%, तो बोरोन का कार्य भी लगभग ऐसा ही है किसानों जैसे हमारे पोटास का है, कि ये भी हमारी फसल की गुणवत्ता को सुधारता है। अगर हमारा फल या हमारे दाने अच्छी तरीके से भराव नहीं करते, उन्हें भरने में मदद करता है। कुछ फल फटने शुरू हो जाते हैं तो बोरोन की वजह से फल हमारे कभी कभी फटने भी शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के कहना यह कि बोरोन और पोटास का जो कार्य है वो लगभग एक जैसा सा ही आप मान सकते हैं। बात करते हैं इनका उपयोग हमें किस समय पर अपनी फसलों में करना चाहिए। तो किसानों, जिस समय पर हमारी फसल के ऊपर जो है हल्की हल्की सी, जो हमारे मान लीजिए धान की फसल जिस समय पर हमारी गबोट अवस्था में आती है, तो गबोट अवस्था के समय पर आप अपनी फसल के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी गन्ने की फसल है तो गन्ने की फसल, किसान भाई जिस समय पर गन्ना बनना शुरू हो जाता है फसल के अंदर, उस समय पर यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो इससे जड़ों का विकास भी होगा और आपके गन्ने के अंदर जो है वजन भी ये बढ़ाने में मदद करेगा। मान लीजिए आपकी कोई और फसलें हैं जिन फसलों पर फूल बनने शुरू हो गए हैं, तो फूल बनने से कुछ दिन पहले, मान लीजिए फूल बनने चालू होंगे 8 से 10 दिन के बाद, तो उससे 8 से लेकर 10 दिन पहले आप एनपीके 0:52:34 और बोरोन, इन दोनों को मिक्स करके फूल आने से पहले स्प्रे करते हैं, तो इससे फूल अच्छी तरीके से बनेंगे और जो फल होंगे उनका साइज भी काफी अच्छी तरीके से निकल करके आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इनकी मात्रा की, तो 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 0:52:34 ले लेना है और लगभग 150 ग्राम आपको बोरोन जो 20% में आता है इसे आपको ले लेना है और इन दोनों को मिक्स करके 160 से लेकर 180 लीटर पानी के अंदर मिक्स करेंगे आप और उसके बाद इसका उपयोग अपनी फसल के ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि किसान भाइयों आप चलेंगे तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी तरीके से पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई